ये मिल जाता आपका मेटल का, लेकिन बेस दोस्तों यकीन मानिए अच्छा था, आवाज फट नहीं रहा था। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑल स्मार्ट गैजेट। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताने वाले एक मिनी स्पीकर का। जी हां दोस्तों, ये है वो मिनी स्पीकर जो कि सोरो कंपनी के दोस्त आता है। बॉक्स में आगे से दिखने में कुछ दिखता है, इधर 8 लिखा हुआ है, इधर भी 8 लिखा हुआ है दोस्तों, इधर 9 लिखा हुआ है। वो इसलिए दोस्तों इसका मॉडल नंबर ही 6889, उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों आप सभी को। इसलिए लेकर डेट तक बोले तो क्या खास बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कहाँ ले सकते हैं, क्यों लेना चाहिए, क्यों ना आपके काम का है या नहीं, सारी जानकारी वीडियो में देंगे। दोस्तों ऐसे कुछ लेना चाह रहे थे अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर घर में यूज के लिए फिर बच्चों के यूज के लिए दोस्तों, एक अच्छा सा मिनी स्पीकर जिसका बैटरी बैकअप अच्छा आता हो, दिखने में लुकिंग गुड हो, साउंड क्वालिटी अच्छा हो, ऐसे कुछ लेना चाह रहे थे। अपने ये वीडियो लास्ट तक देखते रहे ताकि लास्ट में डिसाइड कर सकते हैं ये मिनी स्पीकर जो कि सोरो कंपनी तरफ से आता है आपके काम का है, आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने पर दोस्तों ये बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, लगे जानकारी दूसरों को जानना चाहिए तो फेसबुक व्हाट्सएप जरिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों देखते हैं फाइनली खोल के। दोस्तों हमारा मिनी स्पीकर जो कि सोरो कंपनी की तरफ से आता है, दिखने में कुछ इस तरह से कलर में दिख रहा है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है मिनी स्पीकर एंजॉय द म्यूजिक, और यहाँ पे सोरो का बड़ा सा ब्रांडिंग कर दिया। चलिए फाइनली खोलते हैं, खोलने का करना दोस्तों इससे कर लेने का हल्लू सही निकल जाएगा। देख पा रहे साथ एक चार्जिंग केबल मिला हुआ है, इसे जैसे चार्ज कर सकते हैं, इसको रख लेते हैं दोनों को साइड में, साथ में पन्नी लगा हुआ है, पन्नी को भी निकाल लेते हैं। दिखने में काफी खुश रहता है, इतना लाइट वेट नहीं है। अब फिनिशिंग का बात करूँ दोस्तों तो इस तरह से कुछ फिनिशिंग मिल जाता है, आप देख पा रहे होंगे लाइट बिलिंग कर रहा होगा। सबसे पहले इसे क्वालिटी बता दो किस तरह से, तो ये मिल जाता है आपका मेटल का ऊपर, जी हाँ दोस्तों फाइबर नहीं मेटल है, फाइबर ये वाला है, नीचे का पार्ट जो दिया हुआ है इस तरह से रखने के लिए, ये है फाइबर का, ये है मेटल का, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे हॉल हॉल दिया हुआ है जो बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ है। इसका साउंड भी शायद मेरे हिसाब से अच्छा ही आना चाहिए कि जिस तरह इसके स्पीकर का जो हॉल दिया हुआ है बड़ा सा। नीचे भी मिल जाता है आपको ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट की जगह तो ये ऑन ऑफ हो जाएगा, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और यहाँ पे 4-5 बटन मिल जाता है सॉन्ग पॉज प्ले करने का, फॉरवर्ड करने का, ये मोड मिल जाता है आपको ब्लूटूथ से जाना है या मेमोरी कार्ड से, और यहाँ पे साथ मिल जाता है कि हैंगर जो कि बहुत अच्छी बात है, इसे कहीं टांग सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी कार्ड लग जाता है, ऑक्स केबल लगा सकते हैं, चार्जिंग केबल लगना स्लॉट दिया हुआ है, और इसे कुछ तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो चलिए दोस्तों फालतू बातें बिल्कुल नहीं करते, पहले से ऑन कर लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, फिर आप सभी को बताते हैं इसको आपको परचेस करना चाहिए या नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ब्लूटूथ ऑन हो गया, चलिए इस मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, अपन इससे पहले सॉन्ग सुन लेते हैं, दोनों का फुल साउंड देंगे, उसके बाद देखेंगे इसका बेस किस तरह से आवाज आता है, क्लियर साउंड आता है या फिर आवाज फटता है, उसके जाने के लिए दोस्तों अपन ये नो कॉपीराइट म्यूजिक सॉन्ग प्ले करेंगे। सॉन्ग प्ले हो गया, चलिए इससे पहले पूरा फुल साउंड देते हैं मोबाइल का, फुल साउंड हो गया इसका, इसका भी देते हैं। इसका स्पीकर फुल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हल्लू से प्रेस किए रहना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी हो गया फुल साउंड, तो दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी सुन पाए होंगे आप, इसका साउंड बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन बेस दोस्तों यकीन मानिए अच्छा था, आवाज़ फट नहीं रहा था, जिस तरह छोटा सा है दोस्तों उस तरह से इसका आवाज़ हमको लगा फटेगा लेकिन उस तरह से आवाज़ फट नहीं रहा था, इसका बेस भी ठीक ठाक था, और जो इसका साउंड था दोस्तों उस तरह से कम बोल सकते आप इसे, बहुत ज़्यादा लाउडी साउंड नहीं था, बस सिंपल सा मीडियम साउंड आप बोल सकते हैं इसे। आप इसे अगर छोटा सा लेना चाह रहे थे कुछ अपने पर्सनल यूज के लिए घर में, तो मैं रिकमेंड करूंगा दोस्तों इसे आप परचेस कर सकते हैं। अब बता दो दोस्तों इसका ऑफलाइन ऑनलाइन कितना पड़ जाएगा, तो ऑफलाइन से आप लीजिएगा तो ये पड़ जाएगा आपको 150 से लेकर 160-170 रुपये के अंदर मिल जाएगा, इसी को ऑनलाइन लीजिएगा दोस्तों तो 200 से लेकर 250 तक पड़ सकता है। और तो उसमें कुछ बताने से कुछ है ना, यही तो दोस्तों आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।